व्हाट्स अप यू गाइस, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में जो है वो आपके लिए एक बहुत ख़ास वीडियो लेके आया हूँ, बहुत ख़ास बाइक लेके आया हूँ जिसका हम लोग इंजन खोलने लगे हैं। अभी तक चैनल पे जो है वो इंजन की एक भी वीडियो नहीं थी आई, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको इंजन खोल के दिखाया जाए। और इंजन भी आज हम ऐसा अनोखा इंजन खोलने वाले हैं कि मैं तो देख के ही दंग रह गया, आप भी वीडियो देख के दंग रह जाओगे। मैं सबसे पहले जाके आपको इंजन की साउंड सुनाता हूँ, उसके बाद जो है उस पर प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास एक अदद YPR EST मॉडल 2017, और इसके इंजन में से अब आप देखो आवाज़ें कैसी आती हैं। मुझे तो लगता है भाई, सीधी बात जो है, इसमें किसी ने पत्थर तोड़ के ना इसको खोल के इसमें पत्थर फेंक के इसका इंजन, क्योंकि ऐसे लग रहा है कोई चीज़ बीच में खुली हुई है और वो अंदर रन अप कर रही है। तो चलें, इसकी हालत बहुत सारी नाजुक हालात हैं इसके, ठीक है। जैसे आपको पता है हालात बहुत नाजुक हैं, तो इसको खोलते हैं और प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। एक दिन का तो प्रोसेस नहीं होने वाला, बिकॉज़ ये बहुत सारा जो है बहुत सारा ख़राब है। तो फर्स्ट इसको खोल देते हैं सारे को, उसके बाद जो इसकी रिपेयरिंग होगी उसमें आपको साथ साथ रखेंगे। और दिखाता हूँ मैं आपको सारा इंजन बनने का जो है वो प्रोसेस, क्या प्रोसेस होता है इसमें, काफ़ी क्या क्या आती है और क्या क्या चीज़ है और किस चीज़ चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये खराब नहीं होगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो वेल भाई, जैसा कि आपने प्रोसेस देखा कि पूरे 20 सेकंड के अंदर अंदर पूरा इंजन खोल दिया हम लोगों ने, रिमूव कर दिया। वो बाइक आपके सामने खड़ी है विदाउट इंजन, मैं आपको ज़रा एक क्लोज़अप लुक उसके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अब जो है वो हम इसका पिस्टन की आप हालत देख सकते हैं, आपको नज़र आ रही हो, कपड़ा ज़रा दिखाओ, ये आप देखें, देखें ये थोड़ा सा लाइट से इधर करो, ये देखें कितने गंदे निशान पड़े हुए हैं, ठीक है। ये रगड़ खाता रहे, ये इसके सिलेंडर का हाल है, ये आप देख सकते हैं। और अभी क्रैंक से पिस्टन रिमूव करने लगे हैं। तकरीबन इसकी जितनी चीज़ें हैं ना, क्रैंक हो गया, बैरिंग्स हो गए ये वाले, ठीक है, ये चलो गरारियाँ बच गई हैं, ये देखें नज़र आ रहे हैं लात इसके, नज़र आ रहे हैं आपको क्रैंक का, देखें प्ले देखें कितनी है बैरिंग में आ रही है। इसकी वजह से ना ये बहुत दिल रहा था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आवाज़ कर, रॉड को जा करो, रॉड में भी प्ले है, रॉड में बहुत ज़्यादा प्ले है, बहुत ज़्यादा प्ले है, इतनी प्ले होती ही नहीं है। ये अल्लाह के आसरे पे भैया आपका बाइक बाइक चलता रहे, बाइक भागे भाई अपने ये मुखड़ा नहीं दिखाना चाहते। तो ये बैरिंग भी ठीक है, ये तकरीबन इसके सारे बैरिंग ऑलमोस्ट फारिग है, ये सब चेंज होंगे, ये पिस्टन इसका चेंज होगा, क्लच प्लेट्स की आप हालत देख सकते हैं बिल्कुल जल चुकी हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसकी चेंज होंगी। आज इसका इंजन को खोल दिया हम लोगों ने, तकरीबन इस पर एक दिन का मज़ीद प्रोसेस है, रात के पास जाएगा ये सारा कुछ, और इसको सारा कुछ जो रिपेयरिंग होगा, जो नई चीज़ें पड़ेंगी वो नई पड़ेंगी, और उसके बाद इसको कल इंजन को हम जोड़ेंगे, ठीक है। तो अभी का ये मैं दिखाता हूँ, और कुछ खोलना हुआ तो वो फिर मैं आपको साथ साथ दिखा दूँगा, साथ साथ आपको गाइड कर दूँगा। तो फिर मैं जब कल हम इसको फरहाद के पास लेके जाएंगे तो फिर वो प्रोसेस नेक्स्ट आपको दिखाऊंगा, मतलब इसी वीडियो में दिखाऊंगा पर थोड़ा नेक्स्ट दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, एक बार क्लोज़अप देख लें इंजन का सारा, ये कैम है, ये गेयर वाली गिरारियाँ हैं सारी, बैरिंग
अनदर बैरिंग 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 ठीक है, और ये सिलेंडर है, क्लच प्लेट्स हैं ठीक है, शॉक रॉड पिस्टन, और ये हेड है, हेड में क्या फारिग है इसका, इसमें वाल की, ओहो वाल इसके तो बिल्कुल जल चुके हैं, बिल्कुल जल चुके हैं। तो बस देखते हैं, देखते हैं इस जले हुए इंजन के साथ हमने क्या करना है, इसका कोरमा बना के खाएंगे या इसको सेट करेंगे। तो स्टे ट्यून। सो टुडे इज़ वेरी नेक्स्ट डे, तो आज मैं पहुँचा हूँ शॉप पे, तो आपको दिखाता हूँ वेरी वेल वेरी बेहतरीन तरीके से जो है वो साफ किया गया है। सीरियस एक एक नट बोल्ट को जो है वो सही अच्छे तरीके से साफ कर दिया गया है ठीक है। गोल्डन कलर के हैं, मैं इधर कोई वाइट कलर का ढूंढ के आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं ठीक है। ये गाड़ियाँ आप देख सकते हैं कितनी मज़े के साथ हुई हैं ठीक है। क्लच हाउसिंग कंप्लीट बॉस, और ये अब ये देखें आप इसमें नज़र आइए, अब ये ऐसे तो समझ नहीं लगती पर शायद आपको आवाज़ आ रही हो बहुत ज़्यादा। ये जो है ये बीच में पूरी ना खड़क रही थी, बाकी ये गाड़ियाँ शाड़ियाँ इसकी ठीक हैं, बिल्कुल ठीक है। गियर वाली बैरिंग ये वाले और इसके भी, और ये हेड है इसका ठीक है, इसका पाइप नहीं साफ़ किया अभी तक, बाकी ठीक हो गए। ये भी सही है, जितना साफ़ मतलब कि जला हुआ था अंदर से पूरा, तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है जितना साफ़ हो सकता था किया। ये सिलेंडर है, बाकी इसका जो सामान है सेल्फ वगैरह, ये इसका सेल्फ पड़ा हुआ है ठीक है। ये यूरो किट है, कार्बोरेटर है, साइड है, कवर्स वगैरह, ये मतलब सारी चीज़ें ना वेल मेंटेन करके साफ़ सुथरी करके रखी हैं। अब ये जो पार्ट्स हैं ये कुछ ख़राब के पास जाएंगे, जो रिपेयर होने वाले हैं और जो नए पड़ने वाले हैं वो नए पड़ेंगे, और उसके बाद जो है बाइक ये हमारे सामने खड़ी हुई है ठीक है। ये देखें ऐसे अभी हमारा हाथ ऐसे चला जाता है ना ठीक है, उसके बाद ये सारी ना बेहतरीन तरीके से हम लोग जोड़ देंगे और बाइक चल पड़ेगी ठीक है। तो अभी रात के पास लेके जाते हैं, उसके बाद इसको मैं आपको पूरा असेंबल करने का प्रोसेस भी दिखाऊंगा। तो हाँ, तो बस अभी प्रोफेशनल्स को हम अपने साथ ले आए हैं, हाय। तो अभी अरिश भाई हमें गाइड करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें बाइक में डाल दी हैं, और सबसे पहले अरिश भाई से, अरिश भाई काइंडली पिस्टन, अच्छा पिस्टन ओरिजिनल, ओरिजिनल पिस्टन, टाइमिंग चैन, साथ साथ प्राइस भी काइंडली बता दे जाएं, क्योंकि चैन 1420 ठीक हो गया। मुकम्मल कौन रॉड, मुकम्मल कौन रॉड ये वाला, आवाज़ सुना ना, ये आवाज़ थी इसकी, मुकम्मल कौन रॉड इसमें डलेगा ठीक हो गया। 4000 से ऊपर है, तकरीबन 4100 के करीब है, तीनों चीज़ें सही। देन वाल इनटेक और एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट 670 ठीक हो गया, इनटेक 470 ठीक है, तकरीबन 650 के करीब एक बैरिंग है, वेट बैरिंग दोनों डलेंगे, वेट बैरिंग ठीक है, बाकी अब चलेंगे हम खरादिए के पास, ये सारा काम खरादिया के पास छोड़ेंगे वो, इसको वाल हेड पिस्टन सिलेंडर, सही है सिलेंडर तो नया डाल देंगे सही होगा, उसके बाद वेट के लिए वेट लेके जाएंगे कौन रॉड के लिए ठीक है, इसको ज़रा उसमें सेटिंग करवानी है ठीक हो गया, थोड़ा बैठा हुआ ना ठीक हो गया, इसकी सेटिंग करवाएंगे सही। तो चले हारिस भाई खरादिया के पास, तो रात के पास से पार्ट्स वापस आ गए हैं ठीक है। आरिश भाई आपको भी दिखाते हैं ठीक है, अभी आरिश भाई थोड़े मसरूफ़ हो गए हैं, ये जो काम है आरिश भाई बड़े ध्यान से करते हैं, तो ये आप देख सकते हैं, ये आवाज़ आप सुना दें ज़रा, अब नहीं आएगी ये चीज़ ठीक है, तो आवाज़ बिल्कुल जा चुकी है, और ये बैरिंग वगैरह सारे जो है वो न्यू हो गए हैं ठीक है, अब ऑयलिंग वगैरह और ये और इंजन जुड़ा है। आरिश भाई कितनी देर का प्रोसेस है इंजन जुड़ने का, 2 घंटे का, तो अब 2 घंटे की इतनी लंबी वीडियो तो हम बना नहीं सकते, मैन शॉट्स आपको मैं दिखाता हूँ बीच में इंजन के जो जुड़ते हैं ठीक
एक और भाई हमारे साथ ही हैं अभी जिनका बाइक है। अगर आप अपना बाइक चेक कराना चाहते हो तो चेक करें, ब्रांडिंग हो रही है, क्या बात है क्या बात है। तो चलें आप देखें इंजन ढूंढने का प्रोसेस और फिर इसको लगाते हैं असेंबल करके फिर साथ लगाते हैं, तो बाकी सारा प्रोसेस ऐसे ही चल रहा है सब कुछ। तो गाइस टुडे इज डे 3 एंड वेरी मच श्योर आउटसाइड। तो बस ये सीन है, इंजन हमने असेंबल करके आपने शॉट्स देखे हैं थोड़े बहुत साथ जोड़ दिया है, बस इसके छोटे मोटे पुर्जे रह गए हैं अभी, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, इधर अभी जैन वगैरह इसका फिट होगा, मैग्नेट साइड फिट होगी और इसके छोटे मोटे मतलब सेटिंग्स वगैरह रह गई हैं, तो वो करने के बाद फिर इस बाइक को स्टार्ट करेंगे हम। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे इसको अपनी स्लो में ना स्टार्ट छोड़ देंगे एंड देन मैं फिर इसकी आपको साउंड वगैरह सुनाता हूँ कैसा ये हुआ है। अभी इसका ये स्टीयरिंग चेंज करना है, ये देखना है गंदा सा इसको स्टीयरिंग लगा हुआ है प्लीज, और ये आप देख सकते हैं इसके चिमटे में भी सुराख हुआ है। इसका एग्जॉस्ट बहुत गंदा एग्जॉस्ट है, बहुत गंदा अजीब सा, पता नहीं वो क्या मतलब अलग ही आश्रे भाई बाइक चल रही थी। तो स्टीयरिंग मैंने आप लोगों को पहले भी शायद एक वीडियो में बताया था, ये वाला जो स्टीयरिंग है ये जब लगता है तो ये आप देख सकते हैं कि इधर क्लच केबल होती है, ठीक है, ये उसको प्रेस कर देता है, जब वो प्रेस नीचे हो जाता है तो आपकी क्लच पे एक ना बिला वजह का प्रेशर पड़ा रहता है, उस प्रेशर से होता है कि उस प्रेशर से आपका क्लच प्लेट्स जो है वो बर्न आउट होती रहती हैं, वो जल्दी ना क्लच आपका फारिग हो जाता है, तो लिहाजा ये वाला स्टीयरिंग लगाने से प्रेस करें। ये आप देख सकते हैं ये, ठीक है, ये तार किधर गई हुई है, ये तार को कम से कम इधर होना चाहिए, ये इधर, ठीक है, तो ये और एग्जॉस्ट प्लीज़ यार लगवाते हो तो कोई देख के लगवाया करो, क्वालिटी वाइज अच्छा हो। वो एग्जॉस्ट में आपको दिखाता हूँ अगर इधर सामने पड़ा हुआ तो, ये पड़ा हुआ है ये देखो, अब इसके अंदर ये नज़र आ रहा है, इसमें हाथ मारो ना तो हाथ बिल्कुल काला होकर बाहर निकलता है। तो गाइस दैट्स द सीन, ठीक है, तो बस अभी इसको तकरीबन मज़ीद आधे घंटा लगेगा, ठीक है, तो आधे घंटे में इसको पूरा जितनी इसकी असेंबलिंग बाकी रहती है सेटिंग्स रहती हैं वो करके इंशाल्लाह फिर इसको स्टार्ट करते हैं और एक रन अप दे के चेक करते हैं कि बाइक अब कैसा परफॉर्म कर रहा है। सो द वॉइस फाइनली जो है वो इंजन इंस्टॉल हो चुका है, फुल रेडी, ठीक है, टैंक वैंक सब कुछ लग चुका है, तो जिन बाइक का ये बाइक है वो कोई नहीं आज सुबह के मतलब आए ही नहीं है, ना उन्होंने स्टीयरिंग ला के दिया है, ना उन्होंने एग्जॉस्ट ला के दिया है, बाइक तो स्टार्ट करनी भी लाजमी थी तो ये एग्जॉस्ट लगा के हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। अब एक बार मैं आपको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ कि अब आवाज़ इसकी कैसी है। तो ये बॉयज अभी आप देख सकते हैं, सेंसर के आगे हाथ रखो, ज़रा हाथ रखो ना दबा लो, तो ये आप देख सकते हैं इंजन का साउंड कैसा हो गया, ठीक है, ये सेंसर
सेंसर वॉशर अभी इसकी डाल जाएगी जब इसको अपना सेंसर लगेगा। ठीक है छोड़ दो। ठीक है तो बाकी बाइक जो है वो बिल्कुल सेट हो गया। ठीक है कोई आवाज़ शाद नहीं, बिल्कुल ऐसे एज अ ब्रांड न्यू इंजन। तो होप कि आप लोग ने इस प्रोसेस को एंजॉय किया होगा। वैसे मैं और भी काफ़ी सारे काम लगे हुए हैं, ठीक है उधर भी जो है इधर भी है तो मिक्स हुआ पड़ा है। तो आपने इंजन को खुद आज देखा है, असेंबल वापस किया है वो भी देखा है। तो आज की वीडियो करते हैं इधर ही एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।